डावरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम गोला तहसील के गोला चौराहे पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बड़े नेता जो भावी नेता हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तो खुद ही बताएंगे कि हम चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि डावरा समाचार से मनोज मिश्रा पूरा पैतरा बदलते हुए चारों तरफ देख लिया है कि कौन कैसा विकास करता है। यह छुपने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हर कोई, हर जनता यह सोचती है कि हम नया चेहरा देख लें, हमारे लायक ये है कि नहीं है, ये तो जनता ही निर्णय लेगी। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हो, क्योंकि हमारी बातें लोगों को चुपती हैं। मैं पहुँचूंगा उनके पास भाई कि क्या आप लोग चाहते हैं, कि नया प्रत्याशी लाएंगे कि पुराने प्रत्याशी रहेंगे, ये तो यही बताएंगे। सर आपका धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से जी हम गोला आदर्श नगर पंचायत के समस्त नागरिकों को सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं और इस बाइक रैली में आए हुए सभी साथियों का सम्मान करते हैं जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जीतने के बाद, आपको तो पता ही है कि यहाँ काम कितना हो रहा था, कितना नहीं हो रहा था, तो छुपने वाली बात है नहीं। आप जीतने के बाद क्या करेंगे आप? नगर पंचायत गोला में भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन श्रीमती लालती देवी हैं जी। गोला में विकास की गंगा भाई है, अच्छा काम हुआ है, सड़कें बनी हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि ऐसे ही कर रहे हैं? सही कह रहे हैं, कहीं गलत कहेंगे? और आने वाले दिनों में हम अच्छा विकास करेंगे, इससे भी विकास की गति को तेज करेंगे और जनता जो है हर समय सुख और समृद्धि के साथ है और रहेगी। सर जो मैं पूछना तो मेरा कर्तव्य नहीं है सर, लेकिन आपके ही यहाँ जो पंचिंग का काम चल रहा है वो कितना अच्छा चल रहा है, आप तो इधर से जाते होंगे, देखते होंगे, इसके विषय में आपको क्या करना है, आप जीतने के बाद क्या करेंगे? जीतने के बाद हम हर कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए प्रयास करेंगे और जनता के सुख दुख में हमेशा तैयार रहेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी जनता को कोई कष्ट ना हो। दूसरी चीज़ यह है सर कि मेरे सुनने में ये भी आया है कि किसी के यहाँ तबीयत खराब हो या वो अपाहिज हो या गरीब हो, आप उसके यहाँ पहले पहुँचते थे, पहले प्राथमिकता थी आपकी? जी, शुरू से हम करते आए हैं, आज चुनाव आया है, जनता के बीच में बराबर रहे हैं और जनता के हित के लिए, उनके सुख दुख में कहीं किसी की तबीयत खराब है, कोई परेशानी है, जो हमारे साथ सम्मिलित होते हैं उनके दूसरी चीज़ यह है सर, कभी आपने यह नहीं देखा कि यह गोला का है या कि यह बाहर का है, आपने कभी यह नहीं देखा? ये हमारे साथ कभी नहीं रहा, कहीं से भी कोई किसी को समस्या है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। क्या एक मिनट चुप हो जाइए, क्या आप ये बताइए कि एक नेता होते हुए भी, नहीं थे उस टाइम आप, उसके बावजूद भी हर जगह आप खड़े रहते थे, क्या आपके मन में लालसा थी कि हम नेता बन के करेंगे कि बिना बने करेंगे? हमारे दिमाग में शुरू से धार्मिक भावना, धर्म के लिए अपना प्रचार प्रसार करते रहे हैं और धार्मिक कार्यों के लिए बराबर अपना योगदान देते रहे हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं, और किसी की तबीयत खराब है, किसी को कोई समस्या है, किसी गरीब बच्ची की शादी है, तो उसमें अपने तन मन धन को लगा करके और सबका सहयोग करते हैं जी। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, जो नेताजी ने कहा है? इनके बारे में यही कहना चाहते हैं भैया जी कि इनके ऐसा प्रत्याशी, इनके ऐसा नेता गोला नगर पंचायत में कोई नहीं है। जो ये गरीबों के लिए करते हैं वो अभी तक कोई नहीं करता है भाई। हमको सुनने को मिला तभी तो हम यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया चारों तरफ का दृश्य दिखाया जाए, क्योंकि हमें सुनने के बावजूद भी ये आया कि मैं पहुँच करके उस नेता से खुद बयान लूँगा कि वो कितने कर्मठी हैं कि नहीं हैं। मुझे सुनने में ये आ रहा था कि जब नेता नहीं थे, इनके मन में नेतागिरी की लालसा भी नहीं थी, उसके बावजूद भी ये हर जगह पहुँचे रहते थे, किसी के सुख दुख में या गरीबों का, जहाँ भी ये परेशान रहते थे वहाँ पहुँचते थे, अपना अमूल्य टाइम उनको देते थे। मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ का दृश्य दिखाया जाए। कन्हैया जायसवाल, हम यही कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि इंद्र बहादुर वर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दें और कदम से कदम मिलाकर जनता के बीच ये चलने वाले प्रत्याशी हैं, कदम से कदम और दिन रात मेहनत करने वाले हैं, जहां इनको कहिए वहां खड़े हो जाएंगे, अगर सुख दुख में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए जी। सर आप क्या बताना चाहते हैं इनके बारे में? जी, मेरा नाम तबरेज आलम एडवोकेट है, मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ और भाई समाज सेवी हैं हमारे, इंद्र बहादुर वर्मा जी समाज सेवी हैं, इनके समाज सेवा से हम लोग प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। डबल इंजन की सरकार पूरे देश में विकास कार्य को फैला रही है और सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। इस सब से हम सबको, हम अपने अल्पसंख्यक समुदाय को भी संदेश देना चाहेंगे कि इंद्र बहादुर वर्मा का समर्थन करके इनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे और हम इसी के साथ
आए हुए सभी लोगों का। सर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या जनता जनार्दन जो यहाँ मौजूद है क्या नया चेहरा देखना चाहती है? बिल्कुल, ये चाहती है कि एक ऐसा चेहरा हो जो समाज सेवक हो, गरीबों का मसीहा हो, जिससे मिलने जुलने में आसानी हो, हम अपनी बात को हमदर्दी और आसानी से कह सकें। इस तरह का नेता हमारे इंद्र बहादुर भाई वर्मा जी हैं और इनके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं तन मन धन से, और हम लोग बिल्कुल समर्पित हैं कि अगर इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो हम लोग इनको परचम भारतीय जनता पार्टी का लहराकर माला पहनाकर हम लोग नगर पंचायत का रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। समस्त सम्मानित जनता के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मैं किसी भी भेदभाव के बिना नगर पंचायत की जनता की सेवा के लिए हर समय तैयार रहता हूँ और उनके सुख दुख में सम्मिलित रहता हूँ। मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम दिखा रहे हैं रैली निकली हुई है इंद्र बहादुर वर्मा की, तो जर्मनी की काफी भीड़ है। रैली कर रहे हैं, काफी भीड़ है। मैं दिखा सकता हूँ, इसमें गोरखपुर का सीन में दिखा रहा हूँ आपको। भीड़ काफी है लेकिन मेरा लक्ष्य होता है डाबरा समाचार का हर जगह जो है पहुंच करके कवरेज करना और अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है यह दिखाना, यह मेरा दायित्व तो बनता है या डाबरा समाचार का दायित्व तो बनता है। यह मेरा लक्ष्य हर जगह पहुंच करके दिखाना होता है डाबरा समाचार के माध्यम से कि लोग कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। यह चुनाव का माहौल चल रहा है जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। यह गोला तहसील के गोपालपुर चौराहे का यह दृश्य है। आप लोग निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार के माध्यम से, यह मेरा दिखाना लक्ष्य होता है हर जगह पहुंच करके कवरेज करना और दिखाना। क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुंचता है यह दिखाने के लिए जमीनी हकीकत पर हो क्या रहा है। लोग चुनावी माहौल में दावेदारी ठोक रहे हैं अपना। समाचार के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ निरंतर कि कितनी भीड़ है। ये लोग काफी इच्छुक हैं।
काफ़ी भीड़ है, गाड़ियों की काफ़ी लंबी लाइन है, ई रिक्शा भी इसमें मौजूद है।